बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जिससे स्वामी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए और एक एक कहानी मुझे याद आती है ये है 1984 की बात जब एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था रोम में इटली में और सब लोगों ने उस टाइम के जो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्रैक्सी थे जिनके भाई ने हमारा जो प्राइमरी स्कूल है उन्होंने वो बनाया है तो वो वहाँ यहाँ पे आके उन्होंने भगवान को बहुत प्रार्थना की थी कि स्वामी आप आइए मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ मैं सब आपकी तैयारी करूँगा आप रोम आइए और उस टाइम स्वामी ने बोला था कि मैं तो नहीं आऊँगा लेकिन मेरा कोई प्रतिनिधि आएगा और स्वामी ने वी के नरसिम्हन जो डॉक्टर वी के नरसिम्हन थे जो सनातन सारथी के एडिटर कस्तूरी जी के बाद हुए उनको स्वामी ने भेजा था एक स्वामी का संदेश लेकर तो उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बहरेन से मेरे माता पिता गए थे और मैं भी उनके साथ मैं बहुत छोटा था तीन साढ़े तीन साल के था मैं साल का था मैं और हम लोग सब गए थे तीनों जन और वहाँ की एक बहुत बड़ी कहानी हुई थी तो मेरे पिताजी एक एयरलाइन कंपनी में काम करते थे और इसीलिए उनको बहुत चीप वाली टिकट मिलती थी और ऐसा मतलब कि वो आराम से कौन मतलब मतलब जभी कभी जगह मिलेगी फ़्लाइट में वो बैठ के जा सकते थे लेकिन उस उस टिकट का एक एक प्रॉब्लम था कि वो कभी कंफर्म नहीं हुआ करता था यदि जगह मिली तो जाएंगे नहीं मिली तो नहीं जा सकते तो एक दिन मतलब जब वो कॉन्फ्रेंस नज़दीक आ रहा था दो दिन दो तीन दिन बाकी थे तो उन्होंने उनको बोला एक फ़्लाइट मतलब आ, में जगह थी तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए फिर वहाँ पे लोगों ने पूछा हमसे कि आपके पास वीसा है क्या तो मेरे फ़ादर ने ऑलरेडी पूछा था उन रोम के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे पूछा था कि वीसा का क्या है तो उन्होंने बोला था कि आप आइए वीसा का हम लोग सब बंदोबस्त कर देंगे रोम में ही कर देंगे कर देंगे तो मेरे पिताजी ने वही बोला इन लोगों को कि वो लोग मेरा बंदोबस्त करने वाले हैं तो बोले ठीक है फिर उन्होंने हम को उस फ्लाइट पे बिठा दिया हम लोग रोम पहुंच गए और जैसे तो रोम पहुंचते हैं तो मेरे पिताजी नो पूछने लगते हैं कि वो वीसा कहाँ मिलेगा तो वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो डांटने लगते हैं मेरे पिताजी को कि तू वीसा लेने बगैर तू कैसा आ गया यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ यहाँ पे और तुमको फ्लाइट पे बिठाया किसने फिर ये बोलने लगे कि वो मैंने पिताजी बोलने लगे कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है और यू you नो know, इसीलिए मैं उसको अटेंड करने के लिए आया हूँ और उन लोगों ने मुझे बोला है फिर बोला उनको फोन कर दो फिर कौन सा वीसा अरेंज करने वाले हम भी देख लें तो जब मेरे फादर उनको फ़ोन कर रहे हैं और वो कोई उठा नहीं रहा फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने जो इंडियन एम्बेसी जो वहाँ की थी उनको उसको फ़ोन किया कि हम लोग ऐसा ऐसा ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए हैं तो क्या आदि आप ये कुछ वीसा का बंदोबस्त कर सकते हैं तो इंडियन एम्बेसी बोलती है अरे भैया यहाँ पे आके तुम लोग कैसे वीसा मांग सकते हो जिस देश में जिस देश से तुम लोग आ रहे हो वहाँ पे वीसा अप्लाई करके आना चाहिए तो हम लोग एकदम अटक गए वहाँ पे इन इन द मीन वाइल बीस बीच में जो इमिग्रेशन के जो ऑफिसर थे उन्होंने हम तीनों के पासपोर्ट ले लिए थे तो अभी हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं तो साढ़े तीन साल का था और इतनी ठंड थी हम लोग बिल्कुल हम हम लोगों ने कुछ वैसी तैयारी नहीं की थी कि मतलब एयरपोर्ट पे रहना है और फिर हमारे फिर मेरे पिताजी को ये समझ में आया कि अरे बाप रे अभी वापस जाना हो तो 24 घंटे के बाद ही अगली फ़्लाइट मिलेगी वापस जाने के लिए क्योंकि उन दिनों में यू नो रोम से बाहर आने के लिए रोज़ रोज़ या हर तीन चार घंटे में तो फ़्लाइट होती नहीं थी अभी अगले 24 घंटे के लिए क्या करेंगे कहाँ पे रहेंगे उस एयरपोर्ट पे क्या करने वाले हैं इतनी ज़्यादा ठंडी थी इतना छोटा बच्चा और मेरी माँ वहाँ पे स्वामी को डांटने लगती है वो कहते क्या स्वामी आपके वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में हम लोग अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए हैं और आपका मतलब नाम लेकर और आपका विश्वास लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं तो मेरे पिताजी बोलने लगे अरे यार ऐसा नहीं बोलते क्या सब हम हम लोगों का मिस्टेक है स्वामी पे क्यों डालना है और आधा घंटा चला गया पौना घंटा चला गया एक घंटा चला गया और वो वहाँ पे बोल रहे हैं वो लोग इंडियन एम्बेसी बंद हो गई साढ़े पाँच बजे छः बजे ऑलमोस्ट दो तीन घंटे हम लोग वहां पे एयरपोर्ट पे ही बिताए थे साढ़े छः सात बजे इमिग्रेशन ऑफिसर भाग के आता है कौन है देश पांडे कौन है देश पांडे कौन है देश पांडे कौन, कौन है तो मेरे पिताजी जाते हैं और फिर ये आदमी बोलता है आपका वीसा तैयार हो गया है तो मेरे पिताजी चाहते हैं सात साढ़े सात बजे कौन वीसा देगा कौन सा ऑफिस है तो उन्होंने इमीडिएटली स्टैम्पिंग वैम्पिंग सब करके फिर यू नो हम लोग एंट्री कर पाए और इतनी बढ़िया ब्यूटीफुल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी अभी तक मुझे याद है स्वामी के बड़े बड़े पोस्टर्स रोम के यू नो रास्ते पे स्वामी के बड़े बड़े पोस्टर्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बड़े पोस्टर्स लगे लगे थे वो सब इतना सुंदर एक दो तीन दिन का सुंदर कॉन्फ्रेंस हो गया फिर कॉन्फ्रेंस होने के बाद मेरे पिताजी जाके ना जो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे वो बोले कि नो शुक्रिया आपका मैं शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ क्योंकि आपने वो वीसा नहीं दिया होता तो आ, मैं ये अटेंड नहीं कर पाता और फिर ये ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं हम लोग हम लोगों को वो अथॉरिटी नहीं है वीसा देने का ओके आप लोग आप आप क्या बोल रहे हैं मतलब हम, हम में से किसी ने आपको आपके लिए कोई विसा स्पेशली अरेंज नहीं किया था फिर पिताजी को मतलब लगता है कि अरे लेकिन मैंने आपको आपसे फोन पे बात की थी किससे बात की थी क्या बात की थी फिर मेरे पिताजी को लगता है अरे तो साढ़े पांच बजे तो इंडियन एम्बे भी बंद हो गई थी फिर उसके बाद मिलना मतलब इम्पॉसिबल है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस तो बिल्कुल जैसे बंद होते हैं तो वैसे बंद ही मतलब पूरा काम रुक जाता है तो जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वो फिर नेक्स्ट डे सुबह नो खुल के वो काम करेंगे ये एक हमारे परिवार में बहुत बड़ी एक हमारा चमत्कार था कि उस दिन हमको समझ में आया कि उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए जो वीसा मिला वो खुद भगवान ने ही हमको दे दिया था